तो यशोदा जी ने भी आज सोचा कि लाला को अगर भय नहीं दिखाऊंगी तो कहीं बिगड़ ना जाए, इसलिए नकली नाटक किया। अच्छा तूने मटकी फोड़ दी, अभी मारती हूँ तेरे को लाठी से। और यमुना जी से कमल की डंडी लेके आई, अंदर से तो बिल्कुल खोखली होती है, कमल की डंडी दिखाकर कह रही है अभी मारती हूँ तेरे को। कन्हैया भाग रहे हैं, मैया यशोदा पीछे पीछे भाग रही है। कन्हैया को पकड़ लिया परीक्षित, जिस परमात्मा को देखकर, जिस कृष्ण को देखकर भय को भी भय लगता है, वो परमात्मा आज लीला के कारण अपनी माता की उस कमल की डंडी को देखकर इतना भयभीत खड़ा है कि डर के मारे कांप रहे हैं कन्हैया, और रो भी रहे हैं। आँखों से जो अश्रु बह रहा है, उस अश्रु से भगवान के आँखों का लगा हुआ सारा कज्जल फैलकर भगवान के कपोलों को भी काला कर दिया। यद भीरपि यद विभेति। और जब बांधने को उखल से हुई कि आज तेरे को दिन भर खाना नहीं दूंगी, उखल से बांधूंगी, बांधने को हुई तो दो अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है, बार बार फिर और उसमें जोड़ती है, फिर लपेटा मारती है, दो अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। लिखा है तदपि द्वयंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम, दो अंगुल न्यूनम छोटी पड़ जाती है। और फिर भगवान को देख दया आई कि माँ बांध रही है, मैं बंध नहीं रहा हूँ, कितना श्रम हो रहा है, मैया को कष्ट हो रहा है। अब भगवान बंधन में थोड़े ही आ सकते हैं, भगवान तो कौन है जो स्वतंत्र है। भगवान की परिभाषा क्या है, ईश्वर की परिभाषा क्या है, स्वतंत्र गतिरीश्वर, जो स्वतंत्र है उसी को तो ईश्वर कहते हैं, वो कैसे बंध सकता है। लेकिन जब यशोदा को खूब मेहनत करते हुए देखा तो दया आ गई। स्वमातु स्विन्न गात्राया विस्रस्तबक रस्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबंधने। भगवान अपन अनुग्रह करके स्वयं फिर बंधन में आ गए हैं, अपने को लीलावश भगवान ने बांध लिया है उखल में। और माताओं ये किस महीने की लीला है, कार्तिक के महीने की लीला है ये उखल बंधन की। कार्तिक का महीना चल रहा है और मैया ने दाम कहते हैं रस्सी को और उधर कहते हैं पेट को, तो पेट में रस्सी बांधी, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ गया दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की जय। इसीलिए कार्तिक महीने का एक नाम दामोदर मास भी है। क्या है, दामोदर मास। तो हॉर्न क्या बजा रही है। और अब भगवान लीला कर रहे हैं, भगवान उस उखल को घसीट कर लेकर गए और एक नंदालय के आगे दो वृक्ष खड़े हुए थे विशाल, और भगवान उसके बीच से निकले, उखल फंस गया, झटका मारा है, उससे दो महापुरुष प्रकट हुए हैं। उन महापुरुष ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है, क्या कह रहे हैं कि वाणी गुणानुकथने श्रवण कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। हे प्रभु इतनी कृपा करना, वाणी गुणानुकथने, हम अपनी वाणी से हमेशा आपका गुणानुवाद गाएं, हाथ से आपका पूजन अर्चन करें, चरणों से आपकी परिक्रमा करें, तीर्थों का दर्शन करें, ऐसा आशीर्वाद देना। ऐसा कहकर भगवान को कोटि कोटि वंदन करते हुए, अपनी मुक्ति के लिए धन्यवाद देते हुए वहाँ से चले गए हैं।